नवरात्रि के अवसर पर घर घर घट स्थापना की जा रही है। इसके तहत अजमेर के प्रसिद्ध अम्बे माता मंदिर में सुबह माता की श्रृंगार के बाद घट स्थापना की गई। सुबह 9 बजे पूजा अर्चना करने के बाद महाआरती का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हुए भक्तों को प्रसाद का वितरण भी किया गया। रोजाना 9 दिन सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे पूजा अर्चना और महाआरती का आयोजन किया जाएगा। वहीं यह मंदिर 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। इस मौके पर मंदिर कमेटी की ओर से भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही मंदिर में साज सज्जा और अन्य व्यवस्थाएं इस मौके पर की गई है। अष्टमी के मौके पर जागरण और नवमी के मौके पर कन्या पूजन का आयोजन भी किया जाएगा। आज पहला नवरात्रा है और सुबह घट स्थापना हुई है। घट स्थापना के बाद 9:15 बजे आरती हुई है। अब रोज 9 बजे सुबह की आरती, सुबह 9 दिन तक सुबह होगी और शाम की आरती 7 बजे होगी। मंदिर में विधिवत 24 घंटे जैसे खुला रहता है, ज्योत जलती रहेगी। ये मंदिर राजस्थान का एक ऐसा मंदिर है कि जो 24 घंटे खुला रहता है। सुबह जब माता जी की पोशाक बदली जाती है उस वक़्त मंदिर फट होता है। सारी रात और सारा दिन लोग साधक और देखने वाले और लोग दर्शनार्थी और मंदिर के माता भक्त आते रहते हैं। मंदिर में सभी के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं, चरणामृत का प्रसाद है और जो भी प्रसाद वितरित किया जाता है वो इस तरफ जो है सबके हाथ में लच्छे बांधे जाते हैं। करोड़ों जैसे लोगों के तादाद में ऐसे आते हैं। इस प्रकार से माता रानी के भक्तों के इस मंदिर के प्रांगण में जो भी भक्त आते हैं उनका लच्छे बांध करके स्वागत किया जाता है। उनके लच्छे बांधे जाते हैं, उनकी मन की अरदासें पूरी करने के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। मंदिर में सबकी पोशाकें चढ़ेंगी, पोशाक 9 दिन चढ़ती है, जो जो लॉटरी में जिनकी निकली है उनकी चढ़ेगी। और अष्टमी पर जागरण होगा, अष्टमी पर एक भव्य जागरण है जिसमें देश के जाने माने संगीतकार आएंगे। नवमी पर जो है हमारा कन्या पूजन के बाद प्रसाद का वितरण होता है, जो कम से कम 50,000-1,00,000 लोग प्रसाद खाते हैं और वो सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है। मंदिर मानव सेवा के प्रति समर्पित है, मानव सेवा का संकल्प लेकर के हम चलते हैं और मानव सेवा को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। मंदिर के सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सारे पदाधिकारी हैं, वह 9 दिन तक अनवरत सेवा में भाव में जुड़े रहते हैं और सभी की सुविधाओं का ख्याल करते हैं।